बड़ी खबर, महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हुई है। महाराष्ट्र सीएम और डिप्टी सीएम राजभवन रवाना, अजीत पवार भाजपा में शामिल होंगे। एनसीपी के 9 मंत्री शपथ, अजीत पवार पहुंच चुके हैं राजभवन। बड़ी खबर आपको बता रहे, एक बार फिर से हलचल होती हुई नजर आई है। अजीत पवार राजभवन पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ आपको जानकारी ये भी दे दें कि महाराष्ट्र की सियासत में राजनीतिक हलचल एक बार फिर से लगभग पूरे एक साल के बाद में होती हुई नजर आई है। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम राजभवन निकल गए हैं। अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। कोशिशें कई की गई थी, लेकिन फिर भी जब मन मुताबिक चीजें नहीं मिल पाई, ना ही उनके जो उनका जो दर्जा था, राजनीतिक दर्जा, वो एनसीपी में बढ़ा, क्योंकि लगातार कोशिश उनकी ओर से, समर्थकों की ओर से की जा रही थी कि जाए, लेकिन अजीत पवार के पास क्योंकि 25 से ज्यादा विधायक हैं और ऐसी में स्थितियां परिवर्तित होगी या फिर अब इसको लेकर के क्या किया जाएगा एनसीपी की ओर से, क्योंकि ये एक झटका यकीनन रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रही है, अजीत पवार के पास 25 से ज्यादा विधायकों का साथ, लेकिन फिलहाल अपडेट यही कि एनसीपी के 9 मंत्री शपथ लेंगे। अजीत पवार राजभवन पहुंच गए हैं इसी बीच, और इसी बीच अब किस तरह की परिस्थितियां वहां पर बनती हुई नजर आएंगी, इस पर सभी की निगाहें रहेगी। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल हुई है। राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं अजीत पवार। अजीत पवार हमेशा से निखर रहे हैं, लेकिन फिर भी पार्टी की लीग से हटकर अब जब निकल रहे हैं, क्योंकि उनका हमेशा ही कहना था कि पार्टी के नेतृत्व में काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन जब पार्टी की ओर से ज्यादा कुछ उन्हें नहीं मिला, हाल ही में जब उसके बाद में जब बदलाव की बात भी हुई थी, लेकिन फिर भी अजीत पवार का नाम उसमें अग्रणी नहीं रहा, बावजूद इसके क्योंकि कोशिश लगातार करते रहे, समर्थन उनके पास था, लेकिन राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। और महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल इसी वजह से तेज हो गए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम भी राजभवन जब रवाना हुए तब ये तस्वीरें उस समय की, लेकिन मीडिया की कोशिशों के बावजूद मीडिया में काफी कुछ नहीं उन्होंने कहा, लेकिन अब हो सकता है क्योंकि देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम राजभवन निकल गए हैं। अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, और ये अटकलें आज से नहीं बल्कि लंबे समय से लगाई जा रही थी। लंबे समय से कहा जा रहा था कि हो सकता है कि बदलाव नहीं होने की वजह से, जिम्मेदारियां वैसी नहीं मिलने की वजह से, बावजूद उसके कि जनता के बीच पहुंचकर काम करते हैं, लेकिन वरीयता किसी और को दी गई। वरीयता नहीं मिलने की वजह से अजीत पवार और उनके समर्थकों के मन में कसक थी, और इस वजह से अब वो राजभवन पहुंच रहे हैं। एनसीपी के विधायक राजभवन पहुंच रहे हैं, एनसीपी के 9 मंत्री शपथ लेंगे। जानकारी फर्स्ट संख्या पर आप देख रहे हैं, अजीत पवार राजभवन पहुंचने वाले हैं और पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट उनके साथ में उनके सभी समर्थक वहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल एक बार फिर से बढ़ी है। विधायकों के साथ राजभवन पहुंचना साफ तौर पर एक स्पष्ट संदेश कि अब उनका मोह भंग हो गया है एनसीपी से। एनसीपी के साथ में लंबे समय से कार्य करते रहे, जुड़े रहे, पारिवारिक रिश्ते रहे, लेकिन बावजूद उनके जब वरीयता हर एक फैसले में नजर नहीं आई, वरीयता फैसलों में नजर नहीं आने की वजह से खफा चल रहे थे, मीडिया से बातचीत के जरिए कई बार संकेत दे चुके थे, लेकिन समर्थन देकर अब आगे क्या होगा, किस तरह की परिस्थितियां बनेगी, उन पर भी निगाहें रहेंगी। लेकिन 25 से ज्यादा विधायकों का समर्थन अजीत पवार के पास भी बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इन 25 विधायकों का समर्थन उनके साथ में है, जो उनके कहने पर वही करेंगे जो वो चाहते हैं, और जो पार्टी से कोशिश की जा रही थी कि उन्हें वो हक मिल पाए, वो राजनीतिक दर्जा मिल पाए, लेकिन वो राजनीतिक दर्जा जब उन्हें पार्टी से नहीं मिला, तो वो एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल का एक हिस्सा बन गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी विधायकों के साथ राजभवन आ गए हैं अजीत पवार, और अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। ये आज की बात नहीं, अटकलें लंबे समय से चल रही थी। जब एनसीपी की बैठक हुई थी और एनसीपी की बैठक के बाद में कुछ उस तरह की बातें थी जिसमें लग रहा था कि अजीत पवार को यहाँ पर आगे लाया जाएगा, फ्रंट पर आगे कार्य करने का मौका दिया जाएगा, उनको मोर्चों की मजबूती दी जाएगी, लेकिन जब ये सब नहीं हुआ और उसके बाद उन्हें वो इच्छित चीजें नहीं मिली जिसके लिए वो कहते हैं कि वो डिजर्व, उनके साथ उनके समर्थक, उनके वो समर्थन में जो विधायक हैं वो करते हैं। लेकिन अब जानकारी यही है कि नेता विपक्ष पद से इस्तीफा भी आज ही अजीत पवार दे देंगे, क्योंकि राजभवन पहुंच गए हैं राज्यपाल से मुलाकात करने। नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा देंगे अजीत पवार, ये जानकारी आज ही वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि आज इस्तीफे की पेशकश नहीं, इस्तीफा देंगे, उनके साथ समर्थक भी पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीपी के 9 मंत्री साथ ही शपथ लेंगे, लेकिन अब यही बात कि भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हो जाएंगे, एनसीपी को चुनावों से पहले और पूरे लोकसभा चुनावों के अगर इस क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करें, तो सरकार बदलने के बाद में अब इसमें शामिल होने का फायदा एज इंडिविजुअल और फिर पार्टी को नुकसान के तरीके से देखा जाए एनसीपी को, तो वो क्या होगा।